नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आ गया है हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था दोस्तों, मतलब एंटीबायोटिक कितने टाइप्स के होते हैं, और हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के बारे में भी पढ़ा था। तो इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का फर्स्ट पार्ट है पेनिसिलिन लाइक एंटीबायोटिक। तो अपन पेनिसिलिन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी SAR, एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड एंड इसका नॉन मैन कल्चर देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 में डिस्कवर्ड किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का द्वारा। ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलिन नोटेटम, प्रेजेंटली पेनिसिलिन कायरोजेनम, आइसोलेटेड बाय फ्लोरी एंड चेन। दो साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा ये आइसोलेट किया गया था इन 1940 फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। मतलब इन्होंने तो डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो, और आइसोलेट किया था फ्लोरी और चेन ने। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। इसके बाद फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ पेनिसिलिन वाज इन 1941 में। मतलब इसका फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन कब हुआ था, मतलब कब यूज में लाया गया था इसको, 1941 में। पेनिसिलिन बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक कॉल्ड बीटा लैक्टम। मतलब बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है पेनिसिलिन में, विच आल्सो इंक्लूड सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम एंड मोनोबैक्टम। मतलब जो बीटा लैक्टम होती है उसमें पेनिसिलिन भी होता है, सिफेलोस्पोरिन भी होता है, कार्बापेनम भी होता है और मोनोबैक्टम भी होता है। चार टाइप के होते हैं, इन चारों टाइप के बारे में इस मोनोबैक्टम में अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द एंजाइम एमाइडेज और बीटा लैक्टमेज। मतलब जो ये एंटीबायोटिक होती है हमारी, ये ओनली वन एंजाइम होता है जो एमाइडेज और बीटा लैक्टमेज, इनके द्वारा ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। हमने देखा था दोस्तों, ये वाली रिंग है ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग है, और ये इसमें ये और हो जाएगा, इसमें टू पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेकंड पे टू मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं और इसे एमाइड ग्रुप जुड़ा है। तो ये हमारी सिंपल स्ट्रक्चर हो गई पेनिसिलिन की। द पेनिसिलिन कैन बी कंसिडर्ड एज अमाइडो डेरिवेटिव ऑफ 6-एमिनो पेनिसिलोइक एसिड। ये हमारा होता है 6-एमिनो पेनिसिलोइक एसिड की स्ट्रक्चर सेम होती है, बस इसमें जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है RCO, ये रिमूव हो जाता है और ये हमारी रिंग बच जाती है 6-एमिनो पेनिसिलोइक एसिड। अब देखते हैं SAR पेनिसिलिन। तो SAR में अपन जैसे अपन एग्जाम में पेपर राइट करते हैं, आंसर लिखते हैं, तो पहले अपन स्ट्रक्चर बनानी चाहिए SAR में, फिर इसको जो भी रिंग है या कार्बन है उसको नंबरिंग देनी चाहिए। देखो यहाँ से फर्स्ट सल्फर को फर्स्ट रिंग फर्स्ट नंबर देंगे, सेकंड इसको, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके आधार पर अपन SAR देखेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन, पोजीशन के आधार पर, तो फर्स्ट पोजीशन क्या है, व्हेन द सल्फर एटम ऑफ द थायाजोलिडीन रिंग इज ऑक्सीडाइज टू सल्फोन और सल्फोक्साइड, इट इम्प्रूव एसिड स्टेबिलिटी। मतलब यहाँ पर ये रिंग ऑक्सीडाइज होती है तो इससे एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, बट डिक्रीज इन एक्टिविटी, मतलब एजेंट की एक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी फर्स्ट पोजिशन है इस पर मॉडिफिकेशन होगा तो हमारी जो जो भी एंटीबायोटिक है उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, सेकेंड पोजीशन, नो सब्स्टिट्यूशन अलाउ एट दिस पोजीशन, एनी चेंज विल लोअर एक्टिविटी। मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे मिथाइल ग्रुप आर नेसेसरी, यहाँ मिथाइल ग्रुप होता है हमारा नेसेसरी होता है। इसके बाद है थर्ड पोजीशन, द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ द थायाजोलिडिन रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होता है। इट इज चेंज टू एन अल्कोहल और एस्टर, एक्टिविटी इज डिक्रीज। पोजिशन नंबर फोर, द नाइट्रोजन इज मस्ट, मतलब नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है हमारी पोजिशन नंबर फोर पे, ये वाला। इसके बाद देखते हैं पोजिशन नंबर फाइव, नो सब्स्टिट्यूशन अलाउ, फाइव पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। इसके बाद है सिक्स पोजिशन,
सब्सटीट्यूशन आर अलाउड ऑन द साइड चेन ऑफ द एमाइड। इसमें क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एड एट दिस पोजिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एड होता है इस पोजिशन पे, तो क्या करता है वो कंपाउंड बेटर एसिड स्टेबिलिटी बिकॉज दिस सब्सटीट्यूशन विल मेक एमाइड ऑक्सीजन और नेस न्यूक्लियोफिलिक। सेवन पोजिशन पे क्या होता है, द कार्बोनिल ऑन द बीटा लैक्टम रिंग इज मस्ट। दोस्तों सिलेबस थोड़ा लेंदी है बट आपको मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, नॉन मैन कल्चर ऑफ पेनिसिलिन इज डन टू डिफरेंट सिस्टम। टू टाइप्स इन नॉन मैन, इनको नेम दिया गया है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम पेनिसिलिन आर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम एस एटम। सल्फर एटम इज असाइंड द फर्स्ट पोजिशन एंड एन एटम इज असाइंड एट नंबर फोर पोजिशन एंड इज कॉल्ड एज सिक्स एसाइल एमिनो टू टू डाईमिथाइल थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड। यह हमारा IUPAC नेम या केमिकल नेम हो गया हमारी पेनिसिलिन का। इसके बाद सेकेंड क्या है इसमें, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया द USP सिस्टम ऑफ नेमिंग पेनिसिलिन इज रिजर्व ऑफ CS सिस्टम, जो हमारा ऊपर वाला सिस्टम है ना, फर्स्ट टाइम पढ़ा था वो। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द नाइट्रोजन एटम इज गिविन द फर्स्ट पोजिशन एंड S एटम इज असाइंड एज फोर्थ पोजिशन। मतलब इसमें नाइट्रोजन फर्स्ट पोजिशन पे आ गया और S एटम फोर्थ पोजिशन पे आ गया, और फर्स्ट वाले में जो हमारा नाइट्रोजन था वो फोर्थ पोजिशन पे था और सल्फर था हमारा फर्स्ट पोजिशन पे था। इस कॉल्ड एज फोर्थ आया अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसका नाम है फोर्थ आया वन एजा साइक्लोहेप्टेन। इसके बाद देखते हैं हमारा पेनिसिलिन डिग्रेडेड कैसे होता है, कौन सा एंजाइम रोल, कौन से एंजाइम का रोल होता है डिग्रेडेशन में। दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस करवा रहा हूँ, अगर आपको इस यूनिट वाइज नोट्स चाहिए मेडिसिनल केमिस्ट्री के तो लिंक दे दूंगा, व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर नोट्स की PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। तो देखते हैं डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन आर एसिड एंड बेस अनस्टेबल, जो हमारी नेचुरल पेनिसिलिन होती है एसिड एंड बेस अनस्टेबल होती है। इनस्टेबिलिटी इन एसिड मीडिया लॉजिकली प्रिक्लूड देयर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू द हाईली एसिडिक इन स्टोमक pH। सर्टेन स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन डिस्ट्रॉय बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एंजाइमेटिकली, मतलब जो सर्टेन स्ट्रेन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रॉय कर देती है हमारी एंटीबायोटिक को एंजाइमेटिकली। द एंजाइम आर मोर पॉपुलरली नोन एज पेनिसिलिनेज और बीटा लैक्टमेज, ये दो एंजाइम होते हैं हमारे जो एंटीबायोटिक को डिग्रेडेट करते हैं, किसके द्वारा, बीटा लैक्टम बॉन्ड को ओपन कर देते हैं। ये देख लीजिए हमारी ये हो गई पेनिसिलिन। इसके बाद एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, पेनिसिलोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एसिडिक मीडियम में पेनिसिलिक एसिड होता है। इसके बाद देखते हैं यूज ऑफ पेनिसिलिन, क्या क्या यूज है हमारे पेनिसिलिन के, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, हमारे मतलब लगभग जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें एंटीबायोटिक यूज होती हैं, तो मेनली पेनिसिलिन, जब जो भी बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होता है उसमें मेनली पेनिसिलिन यूज में होती है हमारी एंटीबायोटिक। तो देखते हैं कौन कौन से इन्फेक्शन है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, डिप्टीरिया, टिटेनस, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, ईयर लंग्स इन्फेक्शन, रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन। इसके बाद है सिफिलिस, गोनोरिया, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, मेंगाइटिस, टाइफाइड और बिसिलरी डिसेंट्री। तो दोस्तों ये हमारा पेनिसिलिन कंप्लीट हो गया, अब देखेंगे सेकेंड जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है हमारी सिफेलोस्पोरिन, इसके बारे में देखेंगे। तो सिफेलोस्पोरिन क्या होते हैं, द सिफेलोस्पोरिन आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम सिफेलोस्पोरियम SPP और प्रिपेयर्ड बाय सेमी सिंथेटिकली। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस सिंस 1965 हैव बीन सेमी सिंथेटिकली सिफेलोस्पोरिन, मतलब ये सेमी सिंथेटिकली प्रोड्यूस की गई है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ओरली एडमिनिस्टर मतलब अकॉर्डिंग टू अपन
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरली एडमिनिस्ट्रेशन सिफेलोस्पोरिन कौन सी है? सिफेलेक्सिन, सिफेराडिन एंड सिफाक्लोर। इसके बाद है पेरेंटरली एडमिनिस्टर, सिफेलोथीन, सिफाप्रिन, सिफासिट्राइल, सिफेलोरिडिन एंड सिफाजोडोन। ये हमारी पेरेंटरली एडमिनिस्टर्ड सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स होती हैं। दीज एजेंट आर सेंसिटिव बीटालेक्टम, बीटालेक्टमेज मतलब जो हमारा इनहिबिटर होता है, डिग्रेडेशन एंजाइम होता है, उसके द्वारा सेंसिटिव होते हैं। इसके बाद है रेसिस्टेंट टू बीटालेक्टमेज एंड पेरेंटली मतलब ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो रेसिस्टेंट मतलब बीटालेक्टमेज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इनके ऊपर, या डिग्रेडेड नहीं होती है। कौन कौन सी है? सिफेरोक्साइम, सिफोमेंडोल और सिफेक्जिटिन। मेटाबोलिकली अनस्टेबल, जो मेटाबोलिटिकली अनस्टेबल कौन कौन सी एंटीबायोटिक है? सिफेलोथीन एंड सिफेरिन। इसके बाद देखते हैं हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ सिफेलोस्पोरिन। दोस्तों आप इन नोट्सों को नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपकी थ्योरी एग्जाम के लिए। आप इससे कम से कम 75 मार्क्स ला सकते हैं मेन एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़िए इसको। हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड, सिफेलोस्पोरिन कंपाउंड वेयर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कल्चर ऑफ सिफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम। ये भी इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, कल्चर ऑफ सिफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम फ्रॉम ए सीवियर इन सर्दिनिया इन 1948 बाय इटालियन साइंटिस्ट ग्रेविशेप बोर्टजू। ही नोटिस द दीज कल्चर प्रोडक्ट सबस्टेन दैट वे आर इफेक्टिव अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफी एंड द कोज टाइफाइड फीवर। मतलब ये मेनली किसके अगेंस्ट में वर्क करती है? हमारी सिफेलोस्पोरिन साल्मोनेला टाइफी, मतलब जो हमारा टीबी होता है ना, उसके अगेंस्ट में। दोस्तों आज हम जो ये बीटालेक्टमेज के 4 टाइप हैं इनको सभी को कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एमिनोग्लाइकोसाइडेज जो भी एंटीबायोटिक होती हैं उनके बारे में। तो द सिफेलोस्पोरिन न्यूक्लियस 7 एमिनो सिफेलोस्पोरिक एसिड वाज डिराइव्ड फ्रॉम मॉडिफिकेशन ऑफ द 7 ACA साइड चेन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ यूजफुल एंटीबायोटिक एजेंट एंड द फर्स्ट एजेंट सिफेलोथीन सिफेलोटीन वाज लॉन्च बाय इली लिली इन। मतलब यह फर्स्ट एंटीबायोटिक है सिफेलोस्पोरिन की, इसके द्वारा लॉन्च की गई थी इली लिली साइंटिस्ट का नाम है इन 1964 में। स्ट्रक्चर देख लो सिफेलोस्पोरिन की, इसमें यहाँ यह मॉडिफिकेशन होता है, एल्किल समूह है, एल्किल समूह है, 3 एल्किल समूह है। ये सेम होती है हमारी पेनिसिलिन की जैसे, लेकिन यहाँ पर इसमें CWH इस 6 मेंबर रिंग से जुड़ा होता है, उसमें 5 मेंबर रिंग होती है। इसके बाद देखते हैं नोमेन क्लेचर ऑफ सिफेलोस्पोरिन। द केमिकल नोमेन क्लेचर ऑफ सिफेलोस्पोरिन इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स देन इवन दैट ऑफ पेनिसिलिन। मतलब पेनिसिलिन से ज़्यादा होता है मतलब इसका नॉनमेन कल्चर, बिकॉज दे आर प्रजेंस ऑफ डबल बोन इन देयर डाईहाइड्रोथायरिडीन। मतलब डबल बोन प्रजेंट होता है इसमें, इसलिए इसका जो भी केमिकल नेम है वो कॉम्प्लेक्स होता है देन पेनिसिलिन। द फ्यूज रिंग सिस्टम इज डिजाइनेटेड बाय केमिकल अब्स्ट्रैक्ट एज 5-thia-1 एज बाई साइक्लो 4-2-0-octuin। इसके बाद देखते हैं केमिकल डिग्रेडेशन कैसे होता है इसका। सिफेलोस्पोरिन अंडरगो वेरियस हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन रिएक्शन व्हिच साइंटिफिक नेचर डिपेंड ऑन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। दोस्तों यह इसका IPAC और केमिकल नेम है, अगर आपको याद हो तो याद कर सकते हो इसको, बहुत ही लॉन्ग है, अगर नहीं याद हो रहा तो इसको स्किप कर सकते। अब देखते हैं SAR ऑफ सिफेलोस्पोरिन। Many analog of cephalosporin C have been made and the structure activity relationship conclusion are follow. 3 lectum ring is essential, मतलब जो बीटा लैक्टम cephalosporin ring में जो बीटा लैक्टम रिंग होती है वो essential होती है। 3 carbonyl group is needed at 4 position, मतलब जो carboxylic acid है वो भी needed होता है 4 position पे। The bicyclic system is essential, वो भी required होता है। द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ साइड ग्रुप एंड रिंग इज इम्पोर्टेंट। द रिजल्ट
closely with those obtained from penicillin, and once again are only a limited number of place where modification can made. Those place कौन कौन से प्लेस हैं मॉडिफिकेशन होता है वहाँ पर, द 7 एसाइल एमिनोसाइड चेन एंड 3 एसाइल ऑक्साइल मिथाइल साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूशन 7 कार्बन. यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है सब्स्टिट्यूशन. ये लास्ट है हमारा आज के वीडियो का, इसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का भी लास्ट टॉपिक है इसमें. दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी है पर इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, तो लास्ट टॉपिक देखते हैं अपन. बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर मतलब कौन कौन से केमिकली या सिंथेटिकली होते हैं हमारे, जो एंजाइम के अलावा जो हमारी बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं, जो हमारी एंटीबायोटिक के डिग्रेडेशन में काम होता है. दिस एजेंट एग्जिबिट वीक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी एंड देयरफॉर आर नॉट एंटिटी टू बी यूज एज इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स. हाउएवर दे हैव एन एफिनिटी फॉर बीटा लैक्टमेज एंड सीवियर एज पोटेंट इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ मैनी बीटा लैक्टमेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ड्यू टू दीज फार्माकोलॉजिकल फीचर दे आर नॉट यूज एज प्राइमरी एंटीबायोटिक बट आर कम्बाइंड यूजअली विद द कन्वेंशनल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दैट आर सबस्ट्रेट फॉर दीज एंजाइम. दिस यूजअली रिजल्ट इन टू पोटेंशिएशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक. कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, दो एग्जाम्पल हमारे कल्यूलेनिक एसिड और सालवेक्टम. दीज आर प्रोड्यूस माई स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लोवेग्रेस एंड द सेम एज एक्टिनोमाइसिटीज विच प्रोड्यूस सिफामाइसिन. सालवेक्टम इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर टू कल्यूलेनिक एसिड. इन दोनों की स्ट्रक्चर ये देख लेना आप इसको और याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है. लास्ट है इसमें मोनोबैक्टम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, जो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं उनके सिंथेसिस को. दीज आर मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम क्रोमोबैक्टीरियम वल्गरी. द बेसिक न्यूक्लियस इज 3 एमिनो मोनोबैक्टमिक एसिड. मोनोबैक्टम हैव ए मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम रिंग एंड आर रेसिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज, मतलब ये बीटा लैक्टमेज से रेसिस्टेंट होती हैं, बीटा लैक्टमेज इनका डिग्रेडेशन नहीं कर सकता है. ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक्स की. इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्क्विब इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च अर्ली 1979. तो दोस्तों यह हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एमिनो ग्लाइकोसाइडेज एंटीबायोटिक. तो थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. अब कम से कम अपने फार्मा फ्रेंड्स को तो शेयर कर सकते हो यार. थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.